हे गाइस, व्हाट्स अप। मैं हूँ मोनिश्का। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मोनिश्का किचन एंड लाइफस्टाइल में। हमारी आज की रेसिपी है सोया मंचूरियन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप इसे कैसे घर पे बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोया मंचूरियन बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ सोया चंक, जिसको मैंने धो करके अच्छे से भिंगो करके रख देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम देखेंगे सोया चंक अच्छे से फूल गया है पानी में। आप देख सकते हैं इस तरह से हम सोया चंक्स का पानी निकाल देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सोया चंक्स की कोटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने लिया 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून मैदा, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने लिया है 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब हम इसमें सारे सोया चंक्स डाल देंगे। सोया चंक्स डालने के बाद अब हम इसको एक स्पून की हेल्प से या फिर हाथ से अच्छे से इसको मिला लेंगे। सोया चंक्स की कोटिंग हो चुकी है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करते टाइम हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। सोया चंक्स का कलर जब हल्का चेंज हो जाए, गोल्डन रंग पे आ जाए, फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी तरह से हम सारे सोया चंक्स को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारे सोया चंक्स को फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जब हल्का गर्म हो जाएगा, फिर हम उसमें डालेंगे 4 से 5 कटे हुए लहसुन। लहसुन को हम 10 से 15 सेकेंड के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक स्मॉल साइज का कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। हमें इसको 1 मिनट तक भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हमें ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि कोटिंग करने टाइम भी हमने नमक यूज़ किया था। अब हम इसमें डालेंगे कुछ कटे हुए कैप्सिकम। कैप्सिकम डाल के हम 1-2 मिनट तक और भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस।
1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/2 टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 को अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए सोया चंक्स। सोया चंक्स डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। इस वीडियो में मैंने ड्राई सोया मंचूरियन की रेसिपी बताई है। अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो आप प्याज की क्वांटिटी और सॉस की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। एक से दो मिनट हो गए हैं, सोया मंचूरियन बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा कटा हुआ स्प्रिंग अनियन। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में आप इस बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।